मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। भागवत जी जिस फल को या जिस औषधि को सबसे ज्यादा बढ़ाई करते हैं, बखान करते हैं, वो मैंने बताया त्रिफला चूर्ण है। भागवत जी का ये कहना है कि पृथ्वी पर अगर कोई अमृत चीज है, अमृत तत्व है, तो वो ये त्रिफला है। त्रिफला में तीन फल है, आंवला है, बहेड़ा है, हरडे है। लेकिन जो महत्व की बात आपको समझने की है वो ये कि हर, बहेड़ा, आंवला, इसको हमेशा 1, 2, 3 के अनुपात में ही उपयोग करें। भागवत जी ने त्रिफला उपयोग करने के लिए बोला है, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक महत्व की बात जोड़ी है कि इसको अकेला कभी भी उपयोग ना करें, या तो इसमें गुड़ मिलाएं या तो इसमें शहद मिलाएं। अकेला उपयोग करना हो तो ज्यादा दिन ना करें, नहीं तो आपको कुछ कमजोरी सी महसूस होगी। ज्यादा दिन से मतलब 3 महीने के आगे ना करें। तो मैंने जो बताया, रात को अगर त्रिफला ले रहे हैं तो या तो आप दूध के साथ लें, पानी के साथ त्रिफला लेना माने अकेला त्रिफला लेना ऐसा माना जाता है। दूध के साथ अकेला नहीं है, गुड़ के साथ अकेला नहीं है, और शहद के साथ अकेला नहीं है।